चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग घर गाड़ी विद चोई। तो यहाँ हम बैठे हुए थे अपनी यूनिवर्सिटी में, फिर तो क्या नाचो भाई? घर पहुंचे, घर जाके प्लान बना जी बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान लेना था। बाजार जाने के लिए हम फटाफट से सब फैमिली गाड़ी में बैठे और बाजार पहुंच गए। साहिवाल सिटी का बाजार शुरू होता है जी लंडा बाजार से, तो सबसे पहले लंडे का ओवरव्यू करना तो जरूरी होता है क्योंकि विंडो शॉपिंग तो जी हम पे लाजम करार दे दी गई है। तो हम लोग एक दुकान के अंदर गए, यहाँ पे स्टिच्ड शर्ट्स देख के हम लोग हैरान हो गए। ये शर्ट बिल्कुल कॉटन के स्टफ की, लॉन के स्टफ की थी, ये पता नहीं यूज्ड थी या इनका क्या हिसाब किताब था, लेकिन शर्ट्स इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी, स्टाइल्स भी इतने प्यारे थे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मटेरियल इनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, ये सारी शर्ट्स वही थी और इनकी प्राइस, इनकी कीमतें इतनी कम थी, सेल भी आपको नज़र आ ही गया होगा। दुकान थी जी यहाँ पे $1 शॉप है, हर चीज़ 200 एंड समथिंग की मिलती है, जितनी भी डॉलर की कीमत होती है उसके हिसाब से। शॉपिंग असी बेशक ज़्यादा करिए ना करिए, लेकिन विंडो शॉपिंग तो असी जी लाजमी करनी होंगी, तो रज के करनी होंगी। असी खरीदने सी जी स्टॉलर चाहिए सी रेशमी स्टफ के, जिधर असी ऑनलाइन चेक किए होने आ सारे स्टॉलर असी दे ले, लेकिन इन्हों का स्टफ तो मटीरियल इन सानू पसंद नहीं सी आ रहा, लेकिन असी फिर भी विंडो शॉपिंग ने कंटिन्यू रखिया, शायद अच्छी उस तो अच्छी कोई चीज़ मिल जाए। फाइनली जनाब असी ऐसी दुकान पर पहुंच गए जिथे कुछ स्टॉलर सके, उन्होंने भी चेक किया, फिर डिसअपॉइंट होए उत्थों, तो उत्थों भी असी तुर पे। विंडो शॉपिंग करते करते साढ़े सामने एंडियोर की दुकान आई, सानू याद है सानू तो चाहिए सी जुत्ती लेने, तो असी स्नीकर सके, लेकिन सानू दूसरियां चप्पलां भी पहन पहन के विंडो शॉपिंग के कंपलसरी हुंदा है सारा कुछ। स्लीपर जिन्हें भी मौजूद सी जी और बहुत प्यारे से, चाहे न्यू अराइवल से चाहे वह सेल से सके, कीमतें भी बहुत ज्यादा मुनासिब सीगिया। पहले जो ट्राई किया ब्लैक पसंद नहीं आया, उसी जुत्ती दे विच कलर चेंज करके चेक किया, फिर सानू याद है नहीं असी तो यह लेनी नहीं, असी तो सानू तो चाहिए सी स्टिकर्स। जुत्ती असी पसंद कर ली सी, लेकिन रूह नू मुतमईन करन वास्ते नाल ही स्टाइलो की दुकान से असी उत्थे चले गए। स्टाइलो दे विच सैंडल्स इन्ने खूबसूरत आए हुए सी, चाहे वह फ्लैट च सी चाहे वह हील्स दे विच सी, बहुत ही ज्यादा प्यारे खूबसूरत किस्म के सैंडल सीगे। कीमतां इन्हां दीआं थोड़ियां ज्यादा सीगियां, ज्यादा तो नहीं सी, मटीरियल ते क्वालिटी के हिसाब नाल कीमतां भी बिल्कुल इन्हां दीआं बिल्कुल परफेक्ट ही सी। इत्थे आ गया जी साडा सब तो फेवरेट सैक्शन, खुस्सियां दा सैक्शन। खुस्से बहुत प्यारे सी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी सी, रेंज इन्हां दी 2200 तक सी, मैक्सिमम 2200 दे राउंड अबाउट सी। फिर असीं दोबारा इंडियोर ते वापस आए, उत्थों जिहड़े स्नीकर सानू पसंद आए सी ओह परचेज कीते, पेमेंट कीती, पेमेंट करदे होए सानू पता लग्गिया जी शापर दे भी पैसे हुंदे। फिर असीं कहा जी शापर दे असीं 20 रुपए नहीं देने, असीं उहदे डब्बे नूं हाथ च फड़ लांगे। मार्केटिंग का जी नवा तरीका आया जी, आह जिहड़ा अज असीं पहली दफा शहर देखिया, इदां फ्रॉक नूं फड़दे सी ते हर बुड़ी दे अगे कर करके उहनूं दिखांदे सी जी लै लो जी तुहानूं प्यारी लग रही है। फिर जी असी देखिया इधर उधर नजर घुमाई, नेल पलिशां काफी सारिया, फिर असी एक जुतियां की दुकान सामने नजर आई, उत्थे एक जुत्ती देखी जिहड़ी बिल्कुल छोटे भालू तरह लगन दी सी, बड़ी क्यूट जी सी, लेकिन सानू चाहीदी नहीं सी, असी फिर नहीं लई। फिर इत्थे असी खुस्से देखे, खुस्से काफी अच्छे सी, लेकिन इन्हां दी क्वालिटी इन्नी अच्छी नहीं सी। ते फिर असी ज्वेलरी देखी, ते ज्वेलरी जो सानू एक बालियां पसंद आईयां, ते असी उन्दे कोलों कीमत पुछी, ते उन्हें सानू दसी जी 250 रुपया। असी फिर भाई नूं कहा कि असी थोड़ा अगों हो आईए, ते फिर आके दोबारा लेने आ। वो भाई ने समझिया कि इन्हां ने कहा असी अगों वेख आईए, असी थोड़ा जे अगे तुरे ते कहिंदा 150 दी लै लो, 150 रुपया देगा। असी सोचा चलो लै लीए, सानू लोड़ ते नहीं सी, लेकिन असी वापस आए, ते ओ भाई ने समझा कि ये अगों वेखन गईयां सी, ते हुण 150 सुन के आईयां, ते सानू कहिंदा हुण तुसी अगों ही लै लो। बड़ी बदतमीजी जी ने बोलिया, गुस्सा मैनू बड़ा आया, लेकिन मैं दिल ते कीता उहदे मुँह ते चपेट मारा, पर मैं चुप कर गई, तमीज नाल वापस आ गई। बहुत दुख होया मैनू। फिर फाइनली जी सानू स्टॉलर दे रंग जिहड़े असी लैने सी सानू मिल गए, ते असी 400-400 विच दो स्टॉलर ले, ते फिर असी तुर पे अगे अगे सी हारां वालियां मेहंदी वालियां दुकानां, ते उत्थे बहुत प्यारे प्यारे इत्थे मेहंदी दे जिहड़ियां थालियां सी ओह बनियां होईयां सी, बड़े नवें नवें स्टाइल दियां। ते अजकल क्योंकि हुण ईद लंघ गई है, ते शादियां दा सीजन है, ते बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन आए हुए सी, उहनूं देखदे आं असी तुर पे मंडी वल नूं। इत्थे जी पापड़ देखो, पापड़ बड़े मजेदार मखाने, आहा हा देख के मजा आ गया लैन नूं, जीत बहुत करदा सी पर पैसे मुक गए सी। और एक वो जो बेल तोरी होती है, हाँ भी आते खीरा
प्याज कैसे लगाते हैं? प्याज का टाइम गुजर गया, गुजर गया, बिल्कुल नहीं होगा। पनीरी लगती है तो पुदीने के बीज होते हैं कि वो पनीरी ही लगती है? हाँ वो उसके अलावा मैंने सुना था बीज भी होते हैं। चलिए सूखा धनिया थोड़ा सा दो। क्या है भला? ये मेथी दाना ये अपने घर है। हाँ भी आजकल नहीं लगेगा, वो नहीं साई में रखा हुआ तो वो थोड़ा बहुत निकल ही आता। कद्दू भी दे दो, बल्कि कद्दू रहने दे, टिंडा दे। ये पर्पल बीज किस चीज़ के? वो गुआड़े की फली। ये बोला किस चीज़ का? ये भिंडी का। ये तो ये भी एक दे दें, ये तो बहुत अच्छे तरह हो गया ना, ग्रो हो गया। साड़ी अच्छी है। चलिए बस बीज हमने खरीद लिया जी। हमारे कुछ पौधे खराब हो गए थे जो कीड़ियों ने खराब कर दिए थे, तो फिर हमने वो जो वो पौधे इस मौसम में यहाँ हो सकते थे वो बीज लिए हमने। फिर हमने रिक्शा लिया और हम घर की तरफ चल पड़े। फिर हमारा दिल किया जी हम गोलगप्पे खाएं, फिर हमने सोचा घर जाने से पहले हम गोलगप्पे खा लें। अच्छा जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।